चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मेरे वाले सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोलता है अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय टू, एक नंबर है और वो मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय टू, उसको दो से डिवाइड कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टू, गुणा करने की बजाय उसको आपने डिवाइड कर दिया है दो से। नाउ फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। अगेन परसेंटेज चेंज पूछा है, तो वो नंबर कोई सा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैंने नंबर मान लिया, मेरा जो नंबर था उसको मैंने मान लिया 100, ठीक है। तो पहले तो वो क्या पूछ रहा है उसको पढ़ लूं, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। रिजल्ट, इसको फोकस कीजिएगा, बहुत ही क्रूशियल डेटा है। उसने पूछा है फाइंड द चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। दिस मिस्टेक, तो मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक ये हुई कि इस नंबर को आपको रिजल्ट बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई करना था, आपको दो से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 200 आपको रिजल्ट लाना था। रिजल्ट यही होगा ना, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 2 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाय 2, यदि होता तो यही ना रिजल्ट होता 200, बट मिस्टेक के कारण, जो मिस्टेक कर दी उसके कारण ये नंबर जो है ना वो दो से डिवाइड हो गया, दो से डिवाइड बन के ये 50 बन गया, तो ये 50 बन गया। रिजल्ट बनना था इसको 200, लेकिन ये 50 बन गया। क्या रिजल्ट होना था 200, लेकिन अब जो मिस्टेक वाला रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। रिजल्ट 200 से 50 बन गया, रिफरेंस कौन, 200 से 50 बन गया ड्यू टू दिस मिस्टेक। और आपको बोला गया है परसेंटेज चेंज कितना हो गया देन। तो देखो कहानी क्या हो गई, हमारा हमेशा का फॉर्मूला कि सर जो 200 था ना वो बन गया कितना, 50। 200 जो था वो 50 बन गया, है ना। 200 इज द एक्चुअल रिजल्ट जो होना था, लेकिन मिस्टेकनली 50 हो गया। तो आपको कितने परसेंटेज का चेंज हो गया वो पता करना है। तो सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने बताया था और वो होता है 50 डिवाइड बाय 200 करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या, डिक्रीमेंट हुआ है। देख ही रहा है भाई, 250 बन गया तो डिक्रीमेंट हुआ ना। अब कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ वही आपका परसेंटेज चेंज है ना। तो जब भी आपके पास दिया गया हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उससे परसेंटेज डिक्रीमेंट यदि निकालना है, परसेंटेज डिक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद 100। सो दिस इज नथिंग बट 3/4 × 100, 75%, 75%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 75%। अब किस किस ने किया था, जिसने भी किया था शाबाश, है ना, ऐसे ही करते रहिए। बराबर समझ में आ गई बात। अरे आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/4 है, 1/4 इस फैक्टर से मल्टीप्लाइंग हो गया है, 1/4 को आप 1 के फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या बनेगा, 1 − 3/4, यही ना बनेगा, 1 − 3/4। तो ये 3/4 ये डिक्रीमेंट को शो कर रहा है ना, तो 3/4 ये जो मैंने किया ना यहाँ से, इससे 3/4 ही बना है प्यारे बच्चे, क्योंकि 4 − 1 कितना होता है, 3/4। वो निकालने की मैंने डायरेक्ट आपको एक मेथड सिखा दी ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें, बराबर है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप खुद से करेंगे, यदि यू आर सीरियस इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, मजा नहीं आ जाए तो कहना। चलिए क्वेश्चन है, सचिन वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर, सचिन को 10 घटाने थे लेकिन सचिन पता नहीं क्या कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली ही एडेड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, जोड़ दिए भाई ने घटाने की बजाय, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। अगेन आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, ठीक है। वेरी क्रूशियल क्यों है ये, मैं आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज हो तो नंबर मायने नहीं रखते,
लेकिन नंबर मायने नहीं रखते जब आप गुणा या भाग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, और प्रॉपर तरीके से यदि करोगे तो कहानी कुछ उलट जाएगी आपके सामने। सचिन वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ नंबर। आप एक नंबर कुछ भी एज्यूम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए आपने नंबर एज्यूम कर लिया कि 100 आपका नंबर है, आपने एज्यूम कर लिया 100 आपका नंबर। अब बंदे को 10 घटाने थे, तो 10 घटाने की बजाय उसने 10 जोड़ दिए, तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो वास्तविक रिजल्ट होना था उसको 90 होना था ना, उसको घटाना चाहिए था, सब्ट्रैक्ट करना था उसको, ठीक है, लेकिन उसने ऐड कर दिया। तो जो मिस्टेक वाला रिजल्ट है, वो कितना हो गया प्यारे बच्चे, 110 हो गया, बराबर। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, तो रिजल्ट के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट जो होना था वो कितना है 90, लेकिन 90 की बजाय आपके पास कितना है 110, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नथिंग बट 1 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और परसेंटेज इंक्रीमेंट इसको 1 के फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाइए, 11 माइनस 9 बाई 9 है ही, तो 11 माइनस 9 करेंगे तो ये बचेगा 2/9, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, ठीक है। तो ये कितना आएगी इसकी वैल्यू देखिए जरा, 9 1 जा 9 1.1, दिस इज नथिंग बट 20.22%। ऑप्शन में यदि रहता तो आपके जैसे बच्चे इसको कर देते, ठीक है, बराबर। अब देखो नंबर डिपेंडेंसी क्यों नहीं है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के मामले में, आपको समझ में आ जाएगी। 100 के ऊपर ये ऐसा आया, यदि सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा था तो कोई सा भी नंबर मानूंगा 22.22% आना चाहिए, है ना। चलिए 100 की बजाय मैंने क्या ले लिया, 50 ले लिया, 100 की बजाय मैंने 50 ले लिया, नंबर जो है वो 50 ले लिया, ठीक है। तो रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट जो आना था इसी में कर दूं, आपने नंबर ले लिया 50, रिजल्ट जो था वो आना था 40, लेकिन अब कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना। अब देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना वो मेंटेन नहीं रहती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और आपके डिवाइड में प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहती है। जब अपन रेशियो की चर्चा करेंगे तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे, अभी ये क्वेश्चन समझ लो तो मैं क्या बोलने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं दिस। अब देखो आपकी जो कहानी थी 40 होनी थी, बन गई 60, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/4, 3/2, यानी कि इंक्रीमेंट दिखा रहा है, ना परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने का, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, तो 1 को हटा दो, ये बचा 50% शो कर रहा है, तो क्या 22.22% है क्या, नहीं। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नंबर जब भी चेंज होगा ना, लेकिन जो क्वांटिटी है 10 वो फिक्स है, तो जितना नंबर छोटा होता जाएगा ये परसेंटेज उतना बढ़ता जाएगा, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ये परसेंटेज इतना घटता जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन कि क्या परसेंटेज चेंज होगा, एक नॉमिनल वैल्यू लेके भी आप इसे देख सकते हैं, यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कांट फाइंड दिस, है ना। एक नंबर है आपको, अब एक नंबर को ले लेना है एक्स, आप रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट आएगा x-10, आप मिस्टेक की बात करेंगे तो मिस्टेक वाला रिजल्ट आएगा x+10। अब इसमें जब x अननोन है तो आप कैसे कंक्लूड कर पाएंगे परसेंटेज चेंज, आप करने की कोशिश भी करेंगे, x-10 इज गोइंग टू x+10, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे, वो होगा x+10 डिवाइड बाई x-10। अब इसे कंक्लूड कैसे करें, नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ से परसेंटेज इंक्रीमेंट की यदि बात करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, x+10 माइनस x+10 डिवाइड बाई x-10, तो ये गॉट कैंसल, इनटू 100 भी है तो आपके पास बचा
20 गुणा 100 डिवाइड बाई एक्स माइनस 10। अब सारा दारोमदार जो है इस नंबर पे टिका हुआ है, ये नंबर डिसाइड करेगा कि कहानी को क्या होना है, ठीक है, बराबर है। तो इसे आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास उस नंबर की वैल्यू नहीं दी गई है, क्लियर है। चलिए बढ़िया, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ मिक्सर ऑफ 100 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक मिक्सर है जो कि मिल्क और वाटर को कंटेन किए हुए है, और उस मिक्सर में 25% ऑफ द मिक्सर इज मिल्क, ठीक है, जो भी मिक्सर है उसमें 25% जो है वो मिल्क है, ओके। सो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सर सो दैट मिल्क बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में जो मिल्क है वो 20% बन जाना चाहिए, तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास 100 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, आपके पास जो टोटल मिक्सचर है वो 100 लीटर का। अब इस 100 लीटर में कुछ हिस्सा मिल्क का है और कुछ हिस्सा पानी का है, वाटर का है। सो दिस इज नथिंग बट मिल्क है आपके पास और कुछ जो हिस्सा है वो वाटर है, ठीक है। तो उसने आपको स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो 25% ऑफ द मिक्सचर इज मिल्क, यानी कि 100 में से 25% मतलब 25 लीटर मिल्क है इसमें, और पानी कितना है बच्चे, 75 है, स्वाभाविक सी बात है 75 है। अब वो आपसे आगे पूछता है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिला दें कि द मिक्सचर इन टू द मिक्सचर सो दैट द मिल्क बिकम्स 20%। इसमें यदि आप पानी मिलाओगे तो मिक्सचर बढ़ता जाएगा ना, 100 लीटर, 1 लीटर मिलाया तो मिक्सचर 101 लीटर हो जाएगा, 10 लीटर मिलाया तो मिक्सचर 110 लीटर हो जाएगा। तो इसमें कितना पानी मिला दें कि जो फाइनल मिक्सचर बने ना उसमें दूध सिर्फ 20% रहे, सिर्फ 20% रहे। देखो आप कितना भी पानी मिला दो इसमें या कितना भी पानी निकाल लो इसमें से, दूध 25 लीटर से ना तो एक बूंद बढ़ेगा ना एक बूंद घटेगा, पक्की बात है। 25 लीटर दूध की क्वांटिटी तो फिक्स है ना, 25 लीटर जो दूध है उसकी क्वांटिटी तो फिक्स है, पक्की बात। मिक्सचर में आप कितना भी पानी ऐड कर लो या कुछ भी कर लो, तो क्वेश्चन क्या है, 25 लीटर जो फिक्स क्वांटिटी है वो किसका 20% है, समझिए ध्यान को। सपोज मैं ऐसा करूं कि 25 जो दूध है, दिस इज नथिंग बट, ध्यान से देखिए जरा, 20%, ये 20% है ऑफ एक अननोन क्वांटिटी एक्स, क्या कहते हो आप, इसमें कितना भी पानी मिला दो, 25 लीटर तो फिक्स रहना, ये 25 लीटर क्वांटिटी फिक्स रहनी है ना, तो जो भी पानी मिलाने के बाद जो भी मिक्सचर बना, एक्स बन गया सपोज, उसका 20% 25 लीटर है, पानी मिलाया 100, अब एक्स बन गया, एक्स का 20% कितना है, 25, यही बोला ना। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ से चला गया, ये 2 से ये 5 बार कट गया, तो x इक्वल टू 125 लीटर जब मिक्सचर बन जाएगा, आप पानी मिलाओ मिलाओ मिलाओ, इसको 125 बना दो, कितना पानी मिलाओगे राजा, 25 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 100 है अभी, 25 लीटर पानी मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा। अब 125 का 20% निकाल के देख लो, 25 लीटर ही आएगा, मतलब अब इस केस में 20% मिल्क हो गया और 80% वाटर हो गया, क्योंकि अब वाटर की न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई, 100 लीटर। आसान है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ परसेंटेज को समझने के लिए ये क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके साथ एक क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, उसकी हाइट को 30% इंक्रीज कर दिया गया है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ बेस, जो बेस है उसकी लेंथ को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, सो दैट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 90%। एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए 90% पे, तो उस केस में आपका जो लेंथ ऑफ द बेस है उसका परसेंटेज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। अरे यार एरिया आप जानते हैं, दिस इज नथिंग बट हाफ लेंथ ऑफ बेस इन टू हाइट, यस यही है ना।
तो ये तो सीरीज इफेक्ट है, दोनों का सीरीज इफेक्ट है। सीरीज इफेक्ट में सक्सेसिव आपका जो इंक्रीमेंट देखा था वो आप लगा सकते हैं, सीधी बात है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट। तो देखिए इसमें इंक्रीमेंट जो है वो 90% से ज़्यादा नहीं होना, तो ये 1.9 लिख लीजिए, ये 1.9 लिख लीजिए, बाकी इनका तो कोई मतलब नहीं है सब मल्टीप्लीकेशन में, जस्ट फोकस ऑन द क्वान्टिटी। सो ये क्वान्टिटी जो हाइट है वो 1.3 हो गई, 1.3 हो गई। एल के बारे में पूछा गया है, शॉर्ट कट सिंपल कट है ना, तो एल इज नथिंग बट 1.3 डिवाइड बाई 13, सो दिस 1.3, सो दिस इज नथिंग बट 19 डिवाइड बाई 13। एल जो है वो 19 डिवाइड बाई 13 आया आपका, है ना, एल इज नथिंग बट 19 डिवाइड बाई 13। तो अब आपको तो परसेंटेज चाहिए था, मैक्सिमम परसेंटेज लेंथ का, तो अब ये लेंथ में कितना, इसके वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 6 बाई 13, ठीक है। तो ये 6 बाई 13 ये इंक्रीमेंट हुआ इसमें, तो इसको परसेंटेज में, यदि परसेंटेज इंक्रीमेंट उसने आपसे पूछा है तो आपको क्या करना, परसेंटेज इंक्रीमेंट इज नथिंग बट 6 गुणा 13, और ये हो गया 100, 6 बाई 13 × 100। तो आप इसको कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 600/13, है ना, तो ये इससे जाएगा 4 times, 46% एंड समथिंग आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये सीधी सिंपल सी कहानी है। और आपको इक्वेशन फॉर्म करने की क्या ज़रूरत, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चलाइए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चलाइए, बाकी सब कोई भी क्वांटिटी इसमें ऐड हो सब को, कुछ भी क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लिकेशन या डिविजन में है सबको भगा दो, उसका कोई लेने देना नहीं है। समझ में आ चुकी बात। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, ओके, बट इंस्टीड ऑफ डिक्रीज आयुष एंड्स ऑफ इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन साल्ट बाय 50%, व्हाट इज परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज के लिए मैं साइन बना दिया हूँ, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन, है ना, परसेंटेज चेंज कितना है इसके मंथली कंजम्पशन में। आपके पास ऑप्शन भी है, 100%, 200%, 300%, 400%, एज्यूम कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। द प्राइस ऑफ द राइस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, बट इंस्टेड ऑफ डिक्रीज आई आंसर बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन साल बाय 50%। नाउ यू नो वेरी वेल, एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी क्वांटिटी गुना रेट है, बराबर है ना, है ना। प्राइस ऑफ द राइस इज रिड्यूस्ड, प्राइस मैंने मान ली, रेट मैंने मान ली 100 है, ठीक है, रेट मैंने 100 मान लिया, चलो। बट इंस्टेड ऑफ डिक्रीज आयुष एंड सब इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन द साल्ट बाई 50%, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको मान लिया 100, मैंने इसको मान लिया 100, मैंने एक्सपेंडिचर को मान लिया 100, मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना, सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे सिंप्लीफाई करनी है, मैंने एज्यूम कर ली, मैंने इनिशियली इसका जो कंजम्पशन था वो कितना मान लिया, आपका जो एक्सपेंडिचर था वो 100 मान लिया, प्राइस 100 मान लिया, तो इससे यदि आप देखोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कंजम्पशन कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्या होता है, द प्राइस ऑफ द राइस इज रिड्यूस बाय 50%, यानी कि अब जो प्राइस हो गई, अब जो प्राइस हो गई 50% से रिड्यूस होने के बाद कितना हो गई, 50 रुपया हो गई, आधी हो गई, 50% वाला आधी हो गई। तो आयुष एंड सब इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन द साल बाय 50%। नाउ एक्सपेंडिचर इसने बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को इसने 150 कर दिया, एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया इसने, 150 कर दिया, 50% से बढ़ा दिया ना, देखो 100 बढ़ जाएगा 50%, 150 हो जाएगा। तो अब जो नया क्यू है, ये क्यू, इसको न्यू बोल लो आप, वो हो गया कितना, 3 हो गया, दिस इज न्यू हो गया, क्यू न्यू इज नथिंग बट 3। सो कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो पहले 1 होता था अब कंजम्पशन 3 हो गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन, कंजम्पशन जो है वो मंथली में कितना चेंज आ गया। तो अब आप कहानी सीधी है, पहले था आपका 1, अभी हो गया आपका 3, बराबर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सर 3 डिवाइड बाय 1, सर दिस इज नथिंग बट कितना प्यारे बच्चे, 3, बराबर। सो यहाँ से परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको m को आप 1 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस, प्लस मतलब इंक्रीमेंट, 2, ये 2 है, इसका परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस इज नथिंग बट 200%,
200%, बराबर। सो 200% उसका कंजम्पशन बढ़ चुका है, सीधी बात है भाई, 1 था ना। सो 1 से 200% जोड़ दोगे तो 1 प्लस, यदि 100% बढ़ता तो 1 प्लस 1, 200% बढ़ा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 हो गया ना, देखो ना 3 आया ना, 200% से बढ़ गया, 200% से उसका कंजम्पशन बढ़ चुका है, बराबर। क्लियर है इतनी बात, आसान था ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स व्हाइल 70% ऑफ एम्प्लॉयज आर मैरिड। इफ 80% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन ऑफिस। अनमैरिड फीमेल जो है उनके ऑफिस में कितनी, वो बताना है। तो चलिए एक नंबर एज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल जो है बंदे ऑफिस में वो 100 है, ये मैंने मान लिया। अब देखते हैं, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, तो 100 में से 40% जो मेल है आपके वो 40%, 40% ऑफ 100 इज नथिंग बट 40, इसका मतलब जो फीमेल है वो कितने हो गए, 60 हो गए, पक्की बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 70% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैरिड, 70% मतलब 100 में से 70 लोग मैरिड है, ध्यान रखिएगा, ये जो 100 है ना इसमें एक और अलग कैटेगरी हो गई कि 70% लोग मैरिड हैं और अनमैरिड जो लोग हैं वो हैं आपके 30 हो गए, बराबर, दो कैटेगरी आ गई और दोनों का यूज करके हमको आंसर करना है क्वेश्चन में, बराबर। चलिए, 70% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैरिड, इफ 80% ऑफ मेल्स आर मैरिड, जो मेल है ना, ये जो मेल लोग हैं इसमें जो मैरिड लोग हैं वो कितने हैं, 80%, तो 40 का 80% कितना होता है, 32 निकाल सकते हैं, 40 × 80/100, सो 32 जो बंदे हैं वो मैरिड हैं, मेल वो जो है ना वो मैरिड हैं, ये मेल्स हैं तो ये मैरिड हैं, ओके, कितने, 32। अब उसने पूछा, क्या पूछा, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन ऑफिस, अनमैरिड फीमेल इन ऑफिस। अब देखो, ध्यान से देखो आप कि टोटल मैरिड लोग कितने हैं ऑफिस में, 70 है, उन 70 में से जो 32 है वो कौन है, उन 70 में से जो 32 हैं, लिखा क्या, 80% ऑफ मेल्स आर मैरिड, 32 लोग जो हैं वो मैरिड हैं। अब आप देखो, 32 यदि मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हैं, 8, 8 मेल अनमैरिड हैं, बराबर है, अनमैरिड है। अब देखो, 30 जो हैं महिलाएं, 30 फीमेल जो हैं वो अनमैरिड हैं, टोटल 30 लोग अनमैरिड हैं, 8 उसमें से मेल हैं, तो बचे कितने, 22, ये कौन है, ये फीमेल्स हैं। अरे टोटल अनमैरिड लोग हैं 30, टोटल जो मेल हैं जो कि अनमैरिड हैं वो है 8, तो 30 में से 8 घटा दो तो 22 फीमेल हो गए ना जो कि अनमैरिड हैं, तो 22 फीमेल्स आर अनमैरिड, आउट ऑफ 100 22 महिलाएं मैरिड नहीं है, और क्वेश्चन पूछा था परसेंटेज में, तो 22 क्या हो गया, परसेंट हो गया, किसका, 100 का, 100 का 22% 22 होता है, तो 22% फीमेल्स आर अनमैरिड। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाते हैं, एक क्लास है उसमें जो टोटल बंदे हैं उसमें से जो 80% बच्चे लोग हैं ना वो फिजिक्स में पास हो जाते हैं, 70% आर पास्ड इन केमिस्ट्री, 70% केमिस्ट्री में पास हो जाते हैं, वाइल 15% आर फेल्ड, 15% बच्चे फेल हो जाते हैं, ओके, बड़ी दुख की बात, इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए 15% बच्चे। इफ 325 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, इफ 325 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन एग्जाम,
एग्जामिनेशन में कितने बच्चे लोग अपीयर्ड हुए ये आपसे क्वेश्चन, ध्यान से पहले सबसे पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए, खुद से बनाइए, चैलेंज को स्वीकार कीजिए, आंसर लेके आइए, बड़ा मजा आएगा। यहाँ से सिर्फ नहीं देखिए, खुद से करिए बच्चे, बहुत आनंद लोगे। सही ना, एग्जामिनेशन फिजिक्स के 80% फिजिक्स की मैं बात कर दूँ तो फिजिक्स के 80% बच्चे जो है ना वो पास हैं, केमिस्ट्री के 70% बच्चे पास हैं, टोटल में से 80% फिजिक्स में पास हैं, 70 टोटल में से 70% केमिस्ट्री में पास है, ना 15% फेल हो गए, मतलब जो पास हुए होंगे वो कितने हैं। सपोज टोटल क्वांटिटी एक्स है, टोटल क्वांटिटी जो है आपकी एक्स है, तो 0.85 ऑफ जो एक्स है प्यारे बच्चे, 0.85 ऑफ एक्स, ये जो टोटल स्टूडेंट ये वो हैं जो पास्ड हैं, करेक्ट ना, ये पास्ड स्टूडेंट है, 85% स्टूडेंट पास हैं, बराबर, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, आपको उसने डेटा दिया हुआ है, इफ 325 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए, सर फिजिक्स में 80 पास हुए हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में 70% पास हुए हैं, तो इन दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट्स भी है ना, जिसकी संख्या 325 दी गई है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं जो करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए, फिजिक्स में जो पास हुए वो है 80%, बराबर, केमिस्ट्री में जो पास हुए वो है 70%, है ना, जो दोनों में जो पास हुए होंगे, ये टोटल क्वांटिटी में से उसको घटा दिया मैंने, जो दोनों में पास है, परसेंटेज है ध्यान रखिएगा, एक्स तो यहां पे ले लिया है तो वाई मान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाई ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हुए, ये परसेंटेज है, 80% फिजिक्स में हो गए, 70% केमिस्ट्री में हो गए, वाई परसेंट ऐसे हो गए जो दोनों में पास हो गए, उनको मैंने घटा दिया, तो ये किसके बराबर है, ये 85 के बराबर नहीं है क्या, ये परसेंटेज 85% स्टूडेंट जो है वो पास है, 85% स्टूडेंट पास थे, तो टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट 80+70 माइनस वाई नहीं हो गए क्या, पास स्टूडेंट की बात है ना, 80 फिजिक्स के 70 इसके, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो घटा दो, है ना, तो अब ये कहानी क्या हो गई, y की यदि वैल्यू लेके आओगे आप तो ये हो गया 150 माइनस 85, तो ये बचा 65, ये परसेंटेज है, मतलब y इक्वल टू 65% बच्चे ऐसे हैं, 65% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, समझ में नहीं आया आपको, आप वेन डायग्राम से समझिए ध्यान से, ये मैंने ले लिए फिजिक्स के बच्चे जो कि है 80%, 80% फिजिक्स के बच्चे, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री के बच्चे 70%, ये केमिस्ट्री के बच्चे 70%, अब ये भी तो क्वांटिटी है भाई, जो दोनों में पास है, जो दोनों में पास वाले भी तो होंगे ना, जो टोटल बच्चे पास हुए हैं ना, मतलब ये जो गोले रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, गोले ये 85% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आउटर बाउंड्री देख रहे हो, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल में से ये 15% है जो कि फेल है, ये जो एरिया है वो 15% जो कि फेल वाला है, ये गोले रिप्रेजेंट कर रहे हैं पास वाले को, तो ये जो टोटल गोले हैं ये 85% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 80, ये 70, इसमें से ये बीच वाला एरिया घटा दो, है ना, तो आपके पास 85 है उसकी वैल्यू, तो यहां से मैं वाई लेके आ गया, मतलब ऐसे बच्चे जो दोनों में पास्ड हों, जो इन दोनों में पास्ड हों, वो ये जो है ना, ये 65% है, ये जो 65%, तो ये जो बचा हुआ एरिया कितना हो गया, 5%, क्योंकि टोटल है 70, 65 यहाँ आ गया, तो ये 5 है ना, व्हाट अबाउट दिस, ये 15% है, ये 15%, 15% बच्चे सिर्फ फिजिक्स में पास है, 5% बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री में पास है, 65% दोनों में पास है, 85% देखो 6 पे 5 प्लस 5 प्लस 15, 85% सब में पास हैं और 15% फेल हैं, तो अब उसने दिया है 325 स्टूडेंट्स आर पास्ड इन बोथ द एग्जाम, तो 65% आया ना उसकी वैल्यू, 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट जो कि एक्स हैं 325 आर पास्ड इन बोथ, सो एक्स जो वैल्यू आ गई वो आ गई 325 × 100/65, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 500 इज द वैल्यू, सो आंसर इज 500, समझ में आया, मजा आया, नेक्स्ट क्लास में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।